धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर ठगी पढ़े लिखे लोग और व्यापारियों से हो रही है। ताजा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है, जहां शहर के एक व्यापारी आयश अग्रवाल के साथ डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई। एवज में फॉरेन फंडिंग के नाम पे दिल्ली के दो व्यापारियों ने इनसे ठगी की है, लगभग 30 लाख रुपए लिए हैं और कोई उनका लोन के क्रम संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस संबंध में 420 मुकदमा दर्ज किया।